आज मुहर्रम के अवसर पर सुहागपुर के कई क्षेत्रों से निकाले गए ताजिया रानी लक्ष्मीबाई मंच के पास हुए एकत्रित। आज सुहागपुर में इमाम हुसैन की शहादत का त्यौहार मुहर्रम मुस्लिम समाज द्वारा मनाया जा रहा है। शहर के कई क्षेत्रों में ताजिया निकाले गए, शुरू की रानी लक्ष्मीबाई मंच के पास स्टेट मैदान पर एकत्रित हुए मुस्लिम समाज द्वारा जुलूस में ताजियों के साथ साथ अखाड़े भी निकाले गए, जिसमें युवा बच्चे और महिलाएं शामिल हुई। मुहर्रम के त्यौहार को लेकर पुलिस एवं प्रशासन में अलग अलग मौजूद रहा। ताजियों के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मौजूद रहा। शनिवार शाम रानी लक्ष्मी मंच के पास रखे ताजिया के ताजियादारों को कुर्मान नागरिकों एवं SDOP मदन मोहन समर द्वारा गमछा देकर इस्तकबाल किया गया। वही रविवार को ताजियों का करबला घाट पर विसर्जन किया जाएगा। हजरत इमाम हुसैन की याद में निकाले ताजिए, बटे, लंगर और शरबत। हर साल की तरह इस साल भी जुलूस मुश्ताक बाबा के घर से शुरू होकर शहर के चौराहों से होते हुए पुराने थाने के पीछे रखे गए। ताज खान विधायक प्रतिनिधि एवं ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के जिला संरक्षक ने बताया कि हर साल ताजी बड़ी शांति से निकाले जाते हैं और इतनी तादाद में हमारे शहर के हिंदू भाई बहन ताजियों पर आकर लुबान छोड़ते हैं, मन्नत मांगते हैं। मुहर्रम के इस्लामिक कैंडल शुरू होता है। इस महीने हजरत इमाम हुसैन की याद से मनाया जा रहा है। हुसैनी मदरसा कमेटी अध्यक्ष हाजी रशीद खान ने बताया कि 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक शहर में कई जगह लंगर का प्रोग्राम होता है। खबर भारतवर्ष के लिए सुहागपुर से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।